यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसे। ठीक है कि बिलो इज गिवन अ फिगर विथ फोर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, इच रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग क्वालिटी रिटन अगेंस्ट इट। सभी के सामने लिख दिया गया है कि क्या क्या क्वालिटी है, हर एक सर्कल के सामने देख लेते क्वालिटी क्या है। स्टडी द फिगर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इनको पढ़िए फिगर को और आंसर दीजिए। देखिए ये जो सर्किल है इंटेलिजेंट ग्रुप है, ये मतलब इसमें ऐसे लोग हैं जो इंटेलिजेंट है। ये जो सर्किल है ये हार्ड वर्किंग वाला सर्किल है, ये उन लोगों का समूह है जो हार्ड वर्किंग है। ये जो सर्किल है वे सच्चे लोगों का समूह है, झूठ नहीं बोलते वो, ट्रूथफुल। और ये जो सर्किल है वो ऑनेस्ट लोगों का सर्किल है। ठीक है देख लिया आपने। और यहां पर कुछ लेबल्ड किया गया है कैपिटल ABCD कुछ लेटर्स, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस है, चार क्वेश्चंस, इनका आंसर्स देना है। तो ये दिमाग में रखिए कि इंटेलिजेंट वाला सर्कल हार्ड वर्किंग ट्रूथफुल एंड ये है ऑनेस्ट वाला। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे खुद ये क्लियर हो जाएगा। द रीजन विच रिप्रेजेंट द पीपुल हु आर इंटेलिजेंट, ऐसे रीजन को बताइए बताइए जिनमें लोग क्या हैं, इंटेलिजेंट तो हैं, ऑनेस्ट भी है एंड फेथफुल भी है, सॉरी ट्रूथफुल भी है एंड ट्रूथफुल भी है बट नॉट हार्ड वर्किंग, लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं है। तो हार्ड वर्किंग वाले क्या करते हैं, हार्ड वर्किंग वाले सर्कल को ही हटा देते हैं यहां से। ये देखिए ये हार्ड वर्किंग वाला सर्कल है, इसे हम क्या करते हैं क्रॉस कर देते हैं, इस रीजन में हमें इंटर ही नहीं करना है। बच गया तीन सर्किल, इंटेलिजेंट ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल वाला। ये देखिए इंटेलिजेंट ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल यही चाहिए हमें। तो ऐसा कौन सा रीजन है तीनों सर्कल में, तीनों सर्कल में ऐसा कौन सा रीजन है जो तीनों सर्कल में कॉमन है, बताइए कौन सा रीजन है तीनों सर्कल में जो कॉमन है रीजन, बताइए कोशिश कीजिएगा। यार ऐसा कौन सा रीजन है जो तीनों सर्कल में कॉमन है यहाँ पे बताइए। ये देखिए अगर हम इस रीजन को ले लेते हैं, ये जो रीजन है इस रीजन को लेते हैं, तो ये चारों में कॉमन है, चारों सर्कल में कॉमन है, तो इसमें हार्ड वर्किंग लोग भी आ जाएंगे क्योंकि हार्ड वर्किंग वाला पार्ट भी इसमें शामिल है, तो हमें ये वाला नहीं चाहिए। इस रीजन को देखिए जो छोटा सा रीजन दिख रहा है इसमें तीनों सर्कल शामिल है, और ये इसे जो लेबल्ड किया गया है एच से, मतलब एच इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है यही पार्ट है जो ट्रूथफुल वाला सर्कल भी इसमें है, ऑनेस्ट वाला सर्कल का पार्ट भी इसमें है और इंटेलिजेंट वाला सर्कल का भी पार्ट इसमें है, और ये लेबल्ड किया गया किससे, एच से। एच हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मीन्स एच ऐसे लोगों को दिखाएगा जो इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल है बट वो हार्ड वर्किंग नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, पीपुल पोजेसिंग ऑल द क्वालिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय, पोजेसिंग ऑल द क्वालिटी, ऐसे लोग जिनमें सारे गुण हो वो कौन से रीजन से दिखाया जा रहा है यहाँ पे, कौन से रीजन से आप डिनोट करते हैं, इस रीजन से। ये जो पार्ट है वो सारे सर्किल का कॉमन पार्ट है। देखिए आप ध्यान से, इसमें इंटेली हार्ड वर्किंग भी आता है, ट्रूथफुल भी आता है, ऑनेस्ट भी आता है, इंटेलिजेंट भी आता है। क्यों ये रीजन क्यों नहीं आता, ये जो रीजन है ये क्यों नहीं आता, इसमें तीन रीजन आते हैं, हार्ड वर्किंग वाला सर्कल, ट्रूथफुल वाला सर्कल और इंटेलिजेंट वाला सर्कल, लेकिन ये जो ऑनेस्ट वाला है वो इसमें नहीं आता। इसी तरीके से ये और ये और ये तीन क्वालिटी रखेंगे, चारों क्वालिटी जो होगा ऑल फोर क्वालिटी ये वाला रीजन रखेगा, और उसे यहाँ पे लेबल किया गया है ई से। तो आंसर जो होगा हमारा डी हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन डी यानी कि ई। द रीजन विच रिप्रेजेंट पीपुल हु आर नॉट ऑनेस्ट, क्या है, ऑनेस्ट नहीं है वो, ऑनेस्ट नहीं है बट पोजेस ऑल अदर थ्री क्वालिटी, लेकिन बाकी तीनों क्वालिटी उनमें है, मतलब इंटेलिजेंट भी है वो, ट्रूथफुल भी है और हार्ड वर्किंग भी है, ये तीनों क्वालिटी उनमें।
ऑनेस्ट नहीं, ये क्वालिटी नहीं। तो ऑनेस्ट वाले सर्किल को हम क्या करते हैं, यहां से हटा देते हैं। ये ऑनेस्ट वाला सर्किल है, इसे हमने हटा दिया। ये एरिया देखिए, ये जो रीजन है तीनों में कॉमन है, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग और ट्रूथफुल वाला जो कॉमन रीजन है वो ये रहा हमारा, ये वो कॉमन रीजन है। देखिए आप ध्यान से, है या नहीं, तीनों सर्किल में ये कॉमन रीजन है। मीन्स अगर हार्ड वर्किंग वाले सर्कल और इंटेलिजेंट वाले सर्कल को मिलाए तो उसमें कॉमन क्या है, बी। अगर हार्ड वर्किंग वाले को ट्रूथफुल वाले को मिलाए तो कॉमन डी। लेकिन ये जो रीजन है वो तीनों सर्कल का कॉमन रीजन है, और इसे लेबल्ड किया गया है एफ से, यानी कि एफ हमारी क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है, एफ हमारी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीपुल हु आर नॉट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं है, चलिए ठीक है, पीपुल हु आर नॉट ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, ट्रूथफुल भी नहीं है जी ये, ओके, बट आर हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग है और इंटेलिजेंट भी है। अच्छा देखते हैं, मतलब हार्ड वर्किंग भी है और प्लस इंटेलिजेंट भी है, ऐसे लोगों को हमें ढूंढना है, दोनों में कॉमन एरिया कौन सा हो। तो सबसे पहले तो ऑनेस्ट और ट्रूथफुल नहीं है, तो दोनों सर्कल को हम हटा देते हैं। ऑनेस्ट वाले सर्कल कौन सा है हमारा, ये है रीजन। ट्रूथफुल वाला कौन सा रीजन है हमारा, ये रीजन है ट्रूथफुल वाला। तो इतना रीजन हमें क्या करना है, इग्नोर करके चलना है। ठीक है, बच गया हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट वाला रीजन, हमें चाहिए भी हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट पीपुल। तो ए होंगे क्या, नहीं होंगे, ये सिर्फ हार्ड वर्किंग है। सी क्या है, सिर्फ इंटेलिजेंट है। दोनों की अगर बात करते हैं, दोनों हार्ड वर्किंग भी हो इंटेलिजेंट भी हो, तो ये जो एरिया है वो इनको दिखाता है, पी से इसे लेबल्ड किया गया है। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। तो यही था इस क्वेश्चन में, कुछ खास नहीं था, और सिंपल सा प्रॉब्लम है, करने पे सिंपल हो जाता है, ये प्रैक्टिस करने पे सिंपल होता है। ठीक है, आप भी कीजिए प्रैक्टिस और धीरे धीरे आपको भी ये आसान लगने लगेगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है भाई, ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।